हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल लवनीश एंड काजल ब्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं बाथू की लड़ी, जो कि एक पांडवों द्वारा बनाया गया एक मंदिर है, जो सिर्फ गर्मियों में ही पानी से बाहर आता है, बाकी टाइम वो पानी में डूबा होता है। तो आज हम आपको दिखाते हैं बाथू की लड़ी, आप भी ज़रूर जाना अभी गर्मियों में, लोकेशन बहुत ज़्यादा सुंदर है, आगे आपको दिखाते हैं। तो गाइस, अब हम फाइनली बाथू की लड़ी में पहुंचने वाले हैं। कैमरा पीछे करके दिखा दो एक बार इनको। ये है जी, यहाँ पांडवों ने सात सीढ़ियाँ बनाई थी। सात नहीं, मती है। पांडवों ने सीढ़ियाँ। तो ये है बाथू की लड़ी का टेंपल, जहाँ पर अभी देखो ये अभी डूबा हुआ ही है, मतलब मंदिर बाहर हुआ है, बाकी रास्ता भी इसका पानी में से ही है, तो किश्ती में से जाना पड़ता है। और पहले तो हमें मिल ही नहीं रहा था कि कैसे, कोई किश्ती नहीं मिल रही थी कि कैसे अंदर जाएं, क्योंकि 6 बजे तक शायद बोटिंग होती है यहाँ। फिर एक अंकल से रिक्वेस्ट करके हम अंदर गए। तो ये है 5000 साल पुराना मंदिर, इसके अंदर शिव जी की मूर्ति है, जो कि पूरे टाइम सर्दियों में बरसात में डूब भी हुई होती है और अभी के टाइम निकलती है, और अभी भी इसके अंदर पानी की सीलन है, आप देख सकते हो। और मुझे तो यहाँ जाके बहुत अच्छा लगा, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। शायद अगले महीने तक तो ये पूरा मंदिर बाहर आ जाएगा, तब किश्ती वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब आपकी गाड़ी ही मंदिर के बाहर पहुँच जाएगी। तो देखो ये 5000 साल पुराना मंदिर अभी भी ऐसे ही है। तो एक कहते हैं ना, हिमाचल जो है वो देवभूमि है, वो बात बिल्कुल सच्ची है। और भगवान करे आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी हों। बाकी आपको बाहर की लोकेशन दिखाते हैं, पहले हम फेरी लगा लेते हैं। तो अभी हम पानी के बीच में हैं, मंदिर में हैं, इसके साइड में सारा पानी ही पानी है, अभी रास्ता नहीं है। और ये है जो स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं, बोलते हैं कि स्वर्ग की सीढ़ियाँ बन रही थी और किसी ने टोक दिया था कि, तो यहाँ पांडवों ने बनाना बंद कर दिया था, तो ये सीढ़ियाँ हैं वो स्वर्ग की सीढ़ियाँ। और लोकेशन ये, अभी तो अंधेरा हो गया थोड़ा, लोकेशन तो बहुत ज़्यादा सुंदर है ये, आप ज़रूर 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 ट्राई करना बाथू की लड़ी एक बार। और हमें तो बहुत अच्छा लगा, और थोड़ा अंधेरा भी हो गया था किश्ती के चक्कर में, कि कोई मिल नहीं रहा था हमें अंदर ले जाने के लिए। और यहाँ से निकले थे अभी कबूतर, तो डरे हम थोड़े से। और यहाँ से देखो लोकेशन कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, पानी में है अभी भी, यहाँ देखो, यहाँ ये पानी का कीचड़ जैसे है, नीचे सारी सीलन है अंदर। अंकल जेड़ी अंदर शिव जी मूर्ति है, यहाँ पुरानी है इनकी, नोइया रखी हैं कुछ को बता को पढ़ दिए सिक्का। हाँ जी, और यहाँ जैसे मैंने एक रील बना ली, क्योंकि मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, तो एक रील भी बना ली और थोड़ा सा ब्लॉग में ले लिया। और उसमें जाना था, बट वो सारा ही गिर गया था, उसकी सीढ़ियाँ वगैरह सारी टूट गई थी, इसलिए उस स्वर्ग की सीढ़ियों में नहीं जा पाए हम, जो बन रही थी मतलब। तो अभी हम, अंकल बोल रहे थे कि अंधेरा हो गया अब चलो घर, कोई बोल देगा कुछ,
मतलब होगा कुछ, नहीं जाते होंगे 6 बजे के बाद, इनको भी अलाउ नहीं होगा इसलिए। तो अभी हम बस वापिस ही जाने वाले थे। अभी ये सब किश्ती में बैठ रहे हैं, ये सब क्या मतलब, मैं भी बैठ रही हूँ, ब्लॉग मेरा भाई शूट कर रहा था, भाई कर रहा था कि पता नहीं, लवी कर रहे थे शायद। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, आप देख सकते हो, और काफ़ी अंधेरा हो गया है इसलिए वीडियो में भी क्लैरिटी नहीं है। तो अब क्या करें, कोई बात नहीं, चलता है। आपने देख लिया बाथू की लड़ी, हमने देख लिया, आप भी एक बार विजिट कर आना, देखाना। ये शॉट बड़ा कैंट है वो। हेलो करा सारे। हेलो हेलो। ये तो मेरे मुंह में दर्द है भाई। तेरा बाय बाय। कितना चले आई वो। करियो रात की चली आओ करे। हां जी। ए तो हाड रिश्तेदार अन्ना में ले ले। अच्छे मोड़ का मेरा खेप हो, मेरा कारी जालो दी है। 5 बजे दे। काकू मंत्रा पड़े सिक्के हो जेड़ा देते हैं उन्हें हटाना रखी हो। ब्याह हो जाए, ब्याह हो जाए, ब्याह हो जाए। था फौजी मिली है, फौजी मिली है, फौजी मिली है। था वो बात नहीं। तो अभी हम किश्ती से उतर के कार में आ गए हैं, अभी हम चले घर। लोकेशन बहुत सुंदर थी, आप भी एक बार ज़रूर जाए आना, और दिन होता तो और ज़्यादा सुंदर लगती। अभी आपको लवी भी बाय बाय बोलेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें हमारे ब्लॉग्स को। बहुत कम टाइम मिलता है ब्लॉग वगैरह बनाने का, बट फिर भी थैंक यू।